रहमान साहब, आप आपको और आपकी बेगम को बहुत कदर की निगाह से देखता था सफदर, और आपके बारे में किसी गलत बात का मैं सोच भी नहीं सकता था। आज भी मैं आपसे कोई सख्त बात नहीं करूंगा, हालांकि आप डिजर्व करते हैं, लेकिन इतना जरूर सवाल करूंगा, क्या मिला ये सब कुछ करके आपको? मैं रहमान भाई कुछ समझा नहीं। अपनी बेगम से जरा पूछ कर बताएं कि फवाद को लाखों रुपए देकर मेरी होने वाली बहू को बदनाम करके क्या मिला इन्हें? What? बस शीना ऐसा क्यों करेगी? मुझे मालूम था आप ये बात जरूर कहेंगे, इसीलिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूं। किसी की लड़की को बदनाम करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अपने घर में भी बेटी है। अब उस बच्ची से मैं हाथ पैर जोड़ के माफी तो मांग लूंगा, लेकिन आप भी अपनी बेगम से जरा पूछ लीजिएगा कि अब वो क्या करेंगी। सफदर, पता नहीं क्या बोल रहे, झूठ बोल रहे। ये तो तुमने ऐसा क्यों किया शीना? बाबा, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मामा ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुम जैसी गैर तरबियत याफ्ता औरत ही औलाद की तरबियत ठीक नहीं कर सकती। तुमने ना सिर्फ औलाद की तरबियत गलत की बल्कि मुझसे वफा भी नहीं की। मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया सारी जिंदगी, उसका सिला तुमने मुझे ये दिया। तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं रही। मैं अपना हर ताल्लुक तुमसे खत्म करता हूं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। प्लीज 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 और कुछ मत कहिएगा इसके आगे। प्लीज एक लफ्ज ना कहिएगा। प्लीज प्लीज, प्लीज।